हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को लाल किला। आप देख सकते हैं जो है कि मेरे पीछे लाल किला है, मैं लाल किला पे आया हुआ हूं। और वीडियो जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले जो है कि मैं यहाँ के टिकट के प्राइस के बारे में बताऊँगा, टिकट काउंटर दिखाऊँगा, और उसके बाद फिर चलते हैं अंदर, अंदर जाके सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में। और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे वाइफ भी है आज जो है कि साथ में हम लोग आए हैं दोस्तों। तो अभी हम हैं बुकिंग काउंटर के सामने। आप पीछे मेरे देख सकते हैं जो है कि बुकिंग काउंटर है, और हम चलते हैं सभी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि टिकट का प्राइस क्या है इंडियन सिटीजन के लिए, और फिर आउटसाइडर जो फॉरेनर्स हैं उन सभी के लिए जो भी टिकट का प्राइस है हम दिखाएँगे। और मेरा भी जो टिकट है वो जो है कि है, मेरे वाइफ जो है कि लाइन में लगी हुई है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में दोस्तों। तो ये है टिकट काउंटर जो कि आप देख रहे हैं। इसमें अलग अलग लाइन है जो है कि इंडियन जेंट्स के लिए दो लाइन है, इंडियन लेडी के लिए एक लाइन है, फॉरेन जेंट्स के लिए अलग लाइन है, और फॉरेन लेडी के लिए अलग लाइन है। और चल के देखते हैं टिकट प्राइस को लेके क्या प्राइस है। और जो है कि यहाँ पर आप, यह है टिकट काउंटर का जो बोर्ड है जिसमें आप देख रहे हैं, आप जो है कि वीडियो को पोस्ट करके एक बार रीड कर सकते हैं आप। वन मोमेंट के लिए 50 रुपया है, अगर कैश से करेंगे तो, फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 35 रुपया का है। मोनूमेंट एंड म्यूजियम दोनों अगर आप विजिट कर रहे हैं तो 80 रुपया है ऑन कैश, और क्रेडिट या डेबिट से या फिर UPI से करेंगे तो आपको 56 रुपया में टिकट जो है कि एक आदमी का मिल जाएगा। और साथ ही साथ फॉरेनर्स के लिए जो है कि 600 रुपया का है एक मोनूमेंट के लिए, और 950 रुपया का है म्यूजियम के साथ। अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो 550 का पड़ेगा मोनूमेंट के लिए, और 870 रुपया जो है कि म्यूजियम की साइड पड़ने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कि स्कैन एंड पे का है, यहाँ से आप किसी भी गूगल पे या फिर गूगल से या फिर किसी भी बारकोड से आप जो है कि स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपका टिकट जो है कि आपके फ़ोन में आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपना बैग जो है कि जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बाहर की नज़ारा है, टिकट लेने के बाद जो है कि एंट्रेंस के लिए गेट पर जाएंगे तो ऐसे कुछ नज़ारा है जो है कि लाल किला के बाहर का। और ये जो है खाई जैसे जो दिख रहा है, ये जो है कि इसमें पानी हुआ करता है जो कि अभी पानी नहीं है, सूख गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है कि अपना बैग चेक इन करवाना पड़ता है, बैग में जो भी है चेक इन करवाना पड़ता है। दोस्तों तो टिकट मिलने के बाद जो है कि अंदर आने के लिए चेकिंग करवाना पड़ता है, बैग वगैरह चेक जो भी है चेकिंग हो गया है। अभी जो है कि हम आए हैं मेन गेट में, यहाँ देख सकते हैं। अभी जो है कि मेन गेट में आए हैं जो कि सामने ही आपको दो तोप दिखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही देखने में भी शानदार लग रहा है। बहुत लोग तो यहाँ पे खड़ा होकर के फोटोज वगैरह भी ले रहे हैं। ये जो है कि एंट्रेंस है पहला गेट जो लाहौरी गेट नाम से है। जैसे पहला गेट जो है कि ये देख सकते हैं, ये जो है कि गेट है, उसके जस्ट बगल में ही बाद ही सेकेंड गेट है जो कि ये भी लोहा की गेट है। और अभी तो फिलहाल दो ही गेट देखने को मिल रहा है, और जैसे ही एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों जैसे ही एंट्रेंस करेंगे वैसे ही आपको ये छोटा सा मार्केट देखने को मिल जाएगा, जो कि मीना बाज़ार नाम से जो है कि अभी इसको पहचाना जाता है। पहले ज़माने की, जब शाहजहां की ज़माने की, यहाँ पे रानी और राजकुमारियों के लिए ये जो है कि यहाँ पे बाज़ार लगा करता था, जो कि अभी नॉर्मल आम आदमी भी आके कुछ भी ख़रीदारी करते हैं। देख सकते हैं यहाँ आने के बाद जो है कि ऐसा एकदम ही महसूस नहीं हो रहा है कि एकदम सुनसान जगह पे आए हो। यहाँ पे जो है कि एकदम ही भीड़ भाड़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, जो है कि आपको सब चीज़ मिलने वाला है यहाँ पे। घड़ी, की चैन, बेबी टॉय, बैंगल्स, नेकलेस, मफलर, टॉवल्स, सॉल, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स जो है कि दिखने को मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरह से है राउंड सराउंडिंग में, आप देख सकते हैं, जो कि ये लाल किला का मीना बाज़ार है। और ऊपर का भी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत से जो है कि बनाया गया है। ये इतनी पुरानी ज़माना में इतना खूबसूरत से बनाया गया है जो है कि। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्राफ्ट वगैरह है, हैंड क्राफ्ट जो है कि। हो गया हो गया, नहीं दोस्तों, तो अभी हम है इंडिया गेट के अंदर में मीना बाज़ार में। और यहाँ पे जैसे ब्लॉगिंग कर रहे थे ना, तो जैसे मैं लास्ट मोमेंट में क्रफ का जो दिखा रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने रोक दिया, ऐसे हाथ रोक दिया, बोले कि फ़ोन जो है कि आप सीधा करके ले सकते हो, ऐसे नहीं। यानी कि कहने का मतलब कि आप नॉर्मली छोटा मोटा वीडियो या फिर सेल्फी फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, लेकिन ऐसे वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा कुछ सीन था जो कि मुझे पहले से पता नहीं था। और आप देख सकते हैं बैंगल्स वगैरह है, नेकलेस वगैरह, बहुत कुछ सिंगार वगैरह मिल जाएगा। फिर से एक यहाँ भी क्राफ्ट का है, हैंड क्राफ्ट, और यहाँ भी बहुत सारे क्राफ्ट ही है देखने को मिल रहा है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है, आप जैसे ही मीना बाज़ार से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। और फिर यह है शायद यही म्यूज़ियम है, तो इसमें भी लास्ट में जाएंगे। और यह जो है अंदर आने के बाद जो है कि इतने बड़ा पार्क देखने को मिल जाएगा आपको, पार्क है और भी अंदर जो है कि महल है। अभी जाएंगे अंदर, वो अंदर का महल भी देखने जाएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, मैं भी फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को भी उतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने बस यूं ही फर्स्ट टाइम ही है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। जितना भी मुझे देखने को मिलेगा मैं उतना सब कुछ आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों तो ये जो है कि ड्रम हाउस है, ये महल। और इस ये महल के बारे में आप देख सकते हैं भैया जो है कि कुछ गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आवाज़ आ रही होगी तो आप सुन सकते हैं। भैया बता रहे थे, जैसे उन्होंने बताया, बता रहे थे कि ये ड्रम हाउस है, ये अंदर में बहुत बड़ा ड्रम है, जो कि जब राजा अंदर रहते थे तो 5 बार ड्रम जो है कि वो बजाया जाता है, बजता था उस समय की जमाना में। और सामने भी एक महल देखने को मिल रहा है, और सामने जो दिखने को मिल रहा है महल, वो वही महल है जब राजा, जब सभी की
जो कि बातें सुनते थे, फैसला करते थे, जो किसी का भी मजबूरियाँ सुनते थे, जहाँ बैठते थे उनका सिंहासन है। चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे भी जा करके पास से दिखाएंगे। दोस्तों अभी जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे राजा का सिंहासन है, और मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो एक्सपीरियंस कुछ ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी बने रहिए और अच्छा से अच्छा ट्राई करेंगे बेटर दिखाने की। साथ में मेरे वाइफ भी है तो इनको बोल रहा हूँ थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरे व्लॉग में, तो ये अपना सेल्फी और रील्स बनाने की चक्कर में मेरा कोई हेल्प ही नहीं कर रही है। कोई ना, हम अकेले ही जंग जीतेंगे, कभी भी मर्द जो है अकेले जंग जीतता है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के, इधर भी एक बहुत बड़ा महल है। चलते हैं सब जगह एक एक बार करके, थोड़ी सी टाइम लगेगा, एक एक बार करके सब जगह चलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है कि जैसे कि जो भी पहले बार आते हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड होने की, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा है। भैया से पूछते हैं, भैया ये जगह क्या जगह का नाम है? ये दीवाने आम है, भैया से अभी पता किए हैं। ये जो है शाहजहां का सिंहासन है यहाँ पे, जो है कि आप देख सकते हैं, मैं नजदीक जाकर के दिखाऊंगा, जो कि राज दरबार लगता है। धन्यवाद भैया। ये कुछ इस तरह से है जाके राज सिंहासन, राज दरबार लगता है यहाँ पे। ये जो है उस जमाने का शाहजहां का जो है कि सिंहासन है, आप देख सकते हैं अच्छे से। यहीं पे शाहजहां जो है कि बैठ करके अपना वो राज दरबार लगाते थे, जो भी जिनका भी प्रॉब्लम्स है वो जो कि सॉल्व करते हैं यहीं बैठ के। आप ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीका से जो है कि संगमरमर का बना हुआ है, और पास में कोई नहीं जा सकता, ये जो है कि फुली पैक है, शीशा से आप दूर से ही देख सकते हैं। दोस्तों व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ काम है भाई। स्टार्टिंग में तो हमें लगता था कि बस यूँ ही जाना है, जो दिखना है वो सभी को दिखाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ व्लॉगिंग करते करते बहुत कुछ झेलने को भी मिला है, और दोस्तों परफेक्ट नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी न्यू हूँ, स्टार्टिंग है मेरा। थोड़ा बहुत आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दिखाते हैं आपको बाकी के और भी, चलते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। लगभग पूरा पूरी 1.5 घंटा हो गया हम लोगों को लाल किला आए हुए, टिकट के लाइन से लेकर के फिर अंदर आए अभी तक जो है कि पूरा पूरी 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी बहुत जगह बाकी है भाइयों, और काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है, और आपको भी एक बार आकर के विजिट करना चाहिए, जो है कि जब भी दिल्ली आओ तो एक बार लाल किला जो है कि आकर के ज़रूर विजिट करें, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, देखने को मिल रहा है। इस तरफ में जो है कि कुछ पोखरा टाइप का है, देखते हैं दिखाते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ जो है कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो है कि सूखा पड़ा है, लेकिन शायद यहाँ आकर के देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें कभी पानी हुआ करता होगा, और वो जो है कि पानी का फुहारे का है बना हुआ है, जो है कि अभी सब कोई आ करके फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, आप देख सकते हैं एक बार ही अच्छा से।
दोस्तों ये जो है कि रंग महल है। रंग महल जैसे कि राजा उस समय के जमाने में जो है कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप ये वगैरह नहीं चलता था, वह उस समय के जमाने में ये जो है कि राजा के लिए प्राइवेट डिस्को रूम था, आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आप मान सकते हैं। यहाँ पे जो है कि रंग रूम था और पूरा कलरफुल शीशे की जो कि अंदर की सजावट था पूरा शीश महल की तरह, और अंदर का पूरा शीशे की था और पूरा अलग अलग कलर्स के ये रंग महल था उस समय की। आप बता सकते हैं कि राजा के लिए एक ये प्राइवेट डिस्को रूम था। फ्रेंड्स ये है खास महल, लिखा हुआ है दिस वॉज द इम्पीरियल प्राइवेट प्लेस, एनिमल फाइट सच एज बिटवीन लायन एंड एलिफेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बिलो द प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ रॉयल्स। खास महल जो भी खास है वो पुराने जमाने में बहुत ही खास है, और आज के जमाने में कहाँ ये सब देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये है दीवानी खास, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। जो कि दीवानी खास है आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। दीवानी खास ऑल्सो नोन एज शाह महल वॉज द होल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस यूज बाई एम्पायर फॉर रिसीविंग सेलेक्टेड कंट्रीज एंड विजिटर्स। तो आप एक बार वीडियो को रोक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ का जो महल है खास महल है वो ऐसे देखने को मिल जाएगा आपको। ऑडियंस के लिए पब्लिक के लिए ऊपर जाना मना है, आप देख सकते हैं ये रास्ते पे जो है कि बैरियर लगा दिया गया है और अंदर एक भी पर्सन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो है कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अलावा और कोई आपको दिखने को नहीं मिलेगा। दो सरदार जी मिले थे और उन्होंने मुझे वीडियो बनाते देख करके बोले व्लॉग बना रहे हो, मैं बोला हाँ, तो उन्होंने अपने फ़ोन निकाल करके मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब किए, बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स खास महल से बाहर आने के बाद जो है कि फिर से बहुत शानदार पार्क देखने को मिल रहा है, ऐसे कुछ ऐसे नज़ारा है, बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सुंदर। फ्रेंड्स तो ये है हयात बाग्स गार्डन एंड पेविलियन लिखा हुआ है, वीडियो को आप रोक करके ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हो। दोस्तों ये जो है कि अभी पार्क में आ गए हैं हम, और अभी चलते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम में जाके वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है म्यूजियम में, बने रहिए। फ्रेंड्स ये भी एक महल है, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आने के बाद देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ भी पहले के ज़माने में पानी हुआ करता था, अभी जो कि सूख गया है और कुछ बिखरा पड़ा है। दोस्तों ये है भादु मंडप, भादु पैविलियन, आप देख सकते हैं ये है जो है कि भादु मंडप, और भादु मंडप के सामने नजारा ऐसा कुछ है, आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा, और साथ ही बहुत बड़ा पार्क आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। फिर से एक बार आप देख लीजिए ये जो है कि भादु मंडप है। फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आपको इंडिया का लैला मजनू का कुछ आर्ट्स देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं दीवार पे जो है कि पूरा जो है कि लिखा हुआ है, कहीं पे सीमा लिखा हुआ है, कहीं पे अन्नू लिखा हुआ है, कहीं पे पप्पू लव,
ब्ला 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 सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है काश। दोस्तों ये है सावन एंड भादो मंडप, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये जो है सावन एंड भादो मंडप है, जो कि जैसे सावन और भादो यानी कि बरसात की समय जो कि इस मंडप पे आके रेस्ट वगैरह या फिर इसी मंडप पे आके रहा जाता है। और इस तरफ जो है क्रांति मंदिर है एक, आप देख सकते हैं इस तरफ जो है कि क्रांति मंदिर है, और अभी हम जाएंगे क्रांति मंदिर।